Hey guys and welcome back to another gameplay video जिसका नाम है Animal Revolt Gaming Simulator। तो guys इतना ज़्यादा सुहाने मौसम में नीचे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बर्फ गिरी हुई है। हमें मिल चुका है एक बर्फीला मैप, जिसे बोलेंगे आप इक्वेटिक मैप, इक्वेटिक नहीं सॉरी स्नो मैप बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा गाइज हमारे पास जो है स्नो मैप और काफ़ी तगड़ी बीच बीच में चट्टाने यहाँ पर मिली हुई है। और इस मैप में भी गाइज आप लोग को एक फाइट देखने वाली है, क्योंकि गाइज इस गेम का नाम ही है एनिमल रिवोल्ट बैटल सिम्युलेटर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है पोलर वियर वर्सेस हमारा जो है टाइटनोबा, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो एंशियंट, मतलब आप लोग समझ रहे हो जो लुप्त हो चुकी है, ऐसी प्रजाति थी एक टाइटनोबा करके, क्योंकि गाइस काफ़ी तगड़े बड़े बड़े एनाकोंडास इसमें रहते थे। तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि पोलर बेयर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है अपने टाइटनोबा को यहाँ पर आना देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है टाइटनोबा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलता है, इनका जो हेड है और इनका जो बाइट फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, और इनका बड़ा साइज सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों पोलर बियर को 1 मिनट में चुटकी में हरा सकता है, ठीक है। तो गाइस करते हैं फाइट को स्टार्ट। फाइट शुरू हो चुकी है और गाइस आप लोग देख पा रहे हो टाइटनोबा का जो जबड़ा इतना बड़ा था ना, जॉ जिसे बोलते हैं गाइस, उसने पूरी उसकी पूरी जो बैक एरिया उसको कवर करके एकदम पीस सा दिया है। गाइस यहाँ पर जो फाइट है वो बिल्कुल वाइट वाइट स्नो थी, लेकिन अब गाइस आप लोगों को रेड रेड देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई है गाइस दोनों के बीच में, एकदम चूत से चुके हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल दोनों एकदम से लड़ने को बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और गाइस पता नहीं कौन कहाँ तक कब तक लड़ेगा, कौन कब तक जाएगा, कितनी गाइस कोई एक बार में इसे निकल जाए। वो भयंकर कैसे उठा उठा के पटक रहे हैं भाई टाइटनोबा। मेरे ख्याल से गाइस ऐसा रहने वाला है कि जो ये क्या बोलते हैं हमारे जो पोलर बियर्स हैं वो गाइस जो है अच्छी टक्कर तो मेरे ख्याल से दे पाएंगे, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता जीत पाएंगे, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए टाइटनोबा जो इतना बड़ा है, प्लस वो भी 4 होते ऊपर से, तो गाइस वो जो है बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना एकदम से कछुआ टाइप बना रहे हैं गाइस एक तरह से इन लोगों का, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं एक पे, अब इनके पास तो भाई मुँह ही मुँह है, लेकिन गाइस जो उसके पास बड़ा शरीर है वो शायद उसको काट रहा है, काटने के बाद उसको लपेट भी रहा है शरीर में और उधर से उधर पटक रहा है, जिसके कारण से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है भाई हमारे पोलर बियर की। और मेरे ख्याल से नहीं लगता गाइस वो एक भी जीत पाएंगे यहाँ पर, और तो मेरे ख्याल से मुझे यही लगता है अभी गाइस कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वही विनर्स होंगे, क्योंकि जो हमारे टाइटनोबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और पोलर बियर मेरे ख्याल से हार चुके हैं यहाँ पर। अभी कुछ कह नहीं सकते पर देखते हैं क्या होगा। लेकिन गाइस जितनी भी लाशें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं, जो डेड बॉडीज़ दिख रही हैं, वो हमारे पोलर बियर की ही दिख रही हैं। देखो गाइस कितना जूझ रहा है भाई वो लड़ने के लिए, लेकिन गाइस जब ये मारते हैं ना भाई एक तरह से जब अपना जबड़ा खोल के घुसा देते हैं एकदम से, इतने बड़े बड़े जो उससे इनके दांत हैं वो गाइस जो हैं बेचारे इन छोटे दांतों के सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं सच में। और फिर भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है मेरे ख्याल से, और 2 से 3 जो है इनके टाइटनोबा ये भी बोल चुके हैं बेचारे मारे पड़े हुए हैं। लेकिन ओ भयंकर इसको देखो कम से कम 360 घुमा दिया भाई ऊपर ही ऊपर में, और ओ ये सबसे ज़्यादा डेडली बाइट होगी मेरे ख्याल से, और फाइनली यहाँ पर पोलर बियर्स हार चुके हैं। तो गाइस अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर टाइटनोबा कितने ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, और इन मेरे ख्याल से भूख बिल्कुल नहीं लगी थी, एक को भी नहीं खाया। और गाइस मुझे लगता है इनको एरिया चाहिए था, लेकिन टाइटनोबा को पता नहीं बर्फीला एरिया क्यों चाहिए, और पता नहीं कौन कौन सी बातें इन दोनों के बीच में हुई होगी जिसके कारण से दोस्तों ऐसा कुछ हुआ। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हो जो टाइटनोबा जितने भी पावरफुल बचे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक टाइटनोबा बचा है। तो गाइस पूरी जो है लास्ट से भर चुकी है भाई, पूरी के पूरा जितना भी एरिया था मैप पूरा पूरा लास्ट से भर चुका है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो यहाँ पर। और फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये रही गाइस वो टाइटनोबा, ये है वो एक बंदा, मतलब सॉरी एक जो है एक क्रिएचर यहीं पर ये बचा हुआ है जो कि पूरा काफ़ी तगड़ा लड़ा और फाइनली यही सिर्फ बचा है, और इसने काफ़ी बढ़िया फाइट की है यहाँ पर, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुआ एनिमल रिवोल्ट बैटल सिम्युलेटर में और किस किस से आप सब फाइट चाहते हो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस अगर आप लोगों को ये गेम प्ले वीडियोज अच्छी लग रही हो, छोटी छोटी वीडियोज़, और आप लोगों को फाइट और किसी की भी देखनी है, काफ़ी तगड़े जो है ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लस दोस्तों अगर आप चैनल पर हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोजाना ऐसे इसमें गेम प्ले वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।